आप तो यहाँ पुरानी फैमिली है, मातृ फैमिली मुझे बताया गया है, तो आपको मालूम है कि मुकेश जी कहाँ कौन से मकान में मतलब पैदा हुए थे और फिर वो वहाँ से दरियागंज शिफ्ट हुए और फिर मुंबई चले गए। तो आपको मालूम है वो जगह कौन सी है, तो आप मुझे दिखा लाएंगे या किसी को भेज देंगे उस जगह पे? अपने बेटे को भेज। अच्छा अच्छा, बेटे को भेज देंगे, ठीक है। मैडम भी है, मैडम ने बताया कि पुराने ये मातृ फैमिली यहाँ रहते हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार माथुर। अजय कुमार माथुर जी, अच्छा। मुदेश जी की फैमिली से भी कुछ है आपका संबंध? अच्छा अच्छा, पुराने जमाने में। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कम से कम इतने पुरानी फैमिली है, तो आपको कम से कम मालूम है कि मुकेश जी यहाँ पैदा हुए थे और अच्छा तो है। चलिए, आपकी आपकी कृपा से जो है, आपके सहयोग से मैं उस जगह तक पहुँच जाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी बात है, तो मैं बेटे के साथ जाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये चेलपुरी किनारी बाजार में मदन वाली बिल्डिंग में मुकेश माथुर जी, मुकेश माथुर जी रहते थे, जो गायक कलाकार थे। वो यहाँ से पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे चांदी चौक में रहते थे, फिर यहाँ से दरियागंज गए, फिर दरियागंज से बॉम्बे गए। उनके बेटे का नाम नील नितिन मुकेश जो है, जो मुकेश माथुर है उनके बेटे बेटे हैं, और जो जो नील है उनके पोते हैं। तो ये इस मकान को मैंने सुना है कि चक्की वाला मकान बोलते थे पहले। हाँ जी हाँ जी, पहले चक्की वाला चलाता था, फिर उसका ये मदन वाली बिल्डिंग कराने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद अभी ये यहाँ पे सारे ये बंगाली सुना रहा है। अभी यहाँ पे वो सब गहनों का काम होता है सब? हाँ जी, ज्वेलरी का काम होता है और कास्टिंग का काम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुरानी हवेली कहलाती थी, माथुर की हवेली। आप बताइए कुछ। हाँ जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पूरा मोहल्ला ही माथुर माथुर का माथुर का सारे माथुर ही रहते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सब चले गए यहाँ से, पड़बड़गंज के नीचे पास में। हाँ बस हमारा ही घर रह गया यहाँ पे। तो इसको इसके अंदर जाने का तो कोई फायदा नहीं है, बाहर से हमने देख लिया ये जगह, अब ये सब बदल गया है, पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। पहले तो बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा अच्छा, हवेली टाइप, हवेली टाइप जैसे दलान वगैरह होते ना। हाँ हाँ हाँ, जो पहले के हाँ बड़े दरवाजे, फिर उसके दोनों साइड बैठने का होता था। हमारे हरियाणा में तो सेंची बोलते थे उसको, सेंची में बैठते थे बाहर, और फिर अंदर जाके दलान होता था, फिर कमरे होते थे पीछे इस टाइप। अच्छा, उस तरह की हवेली थी। अच्छा अच्छा, पुरानी सारी हवेली तोड़ ताड़ के सारे मकान बनाए। हाँ हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।